Oh,
याद रखना, भक्ति भज धातु से निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है जो भी संस्कृत शब्द होता है वो एक धातु और प्रत्यय से संयुक्त होकर के कोई अर्थ निकलता है। जो धातु है वो है भज धातु। भज धातु का अर्थ है सेवा विषय। तो सेवा, सेवा से ही भजन होता है। अब सेवा क्या है? भगवान सेव्य और सेवा, सेवक मतलब जिसको हम सेवा कर रहे हैं। जैसे हम माता पिता को सेवा करते हैं तो वे हमारे लिए सभ्य वस्तु है, और जो सेवा माता पिता को करता है वो सेवक होता है, और जो किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। जिसको किया जाता है सेव्य, जो करता है सेवक, जो सेवा करता है, जो करता है वो सेवा है। अब प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान आए तो ठीक है, परंतु भगवान के प्रति मेरी भगवत बुद्धि है। भगवत बुद्धि मतलब ऐश्वर्य भाव। भगवान सर्वंतर्यामी है, कोटि ब्रह्मांड को पालन करने वाले हैं। तो जो भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांडों को पालन करने वाले हैं, क्या कोई उनकी बराबरी कर सकता है? अच्छा, जो बराबरी नहीं कर सकता वो उससे ऊपर होए तभी तो उसका सेवा करेगा। जैसे माता पिता बच्चों की पालन पोषण करते हैं। अब प्रहलाद महाराज जी कहना चाहते हैं मैं तो उनका पुत्र स्वरूप हूँ, मैं तो उनका पुत्र हूँ, परंतु वे किस प्रकार मेरे पुत्र बन जाएंगे जो मैं उनकी सेवा करूंगा? अर्थात यहाँ पे स्वामी और दासत्व की भावना तो है, परंतु वो अति संभ्रम भाव में है, जिसको सांख्य रस कहा था। तो राय रामानंद संवाद में इसको सांख्य रस की उपाधि दिया गया, जिसमें केवल निष्ठा भावना रहे, परंतु उससे ऊपर जो दासत्व भावना है, जो सेवा की भावना है, वो श्री हनुमान जी का है। इसमें एक ममत्व बुद्धि आता है, तभी प्रभु के प्रति ममता भाव पोषण करते हुए प्रभु को सेवा किया जाता है। इसीलिए हनुमान जी प्रहलाद महाराज जी से श्रेष्ठ, ये प्रहलाद महाराज जी उनके महिमा ये कहना चाहते हैं। अब बात आते हैं कि ये जो हनुमान जी है, कल हम श्रवण किया था किस प्रकार ये अंजन सूत्र, ये पवन पुत्र हनुमान जी बचपन से इतने बलशाली थे, बचपन से इतने राम भक्त थे, इन्होंने अपने भक्ति के बल पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामा कर दिखाए, परंतु ये हमेशा अपना शक्ति को, अपना बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखा। कभी दुनिया वालों के लिए इन्होंने कभी अपने बुद्धि को, अपने शक्ति को प्रयोग नहीं किया है। इससे पता चलता है जितने भी भक्त हैं वो अपने शक्ति और बुद्धि को हमेशा अपने नियंत्रण में रखते हुए सही समय पर भगवत सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने शक्ति को प्रयोग किया लंका को लांघने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आता है कि सुमिरो नाम रूप बिन देखे नहीं, जिस सागर को लांघ दे सके ना, भगवान की सेवा में लगाया। इससे पहले भी बहुत आपत्ति आई थी, किंतु भगवान के और माता भगवती लक्ष्मी के लिए हनुमान जी ने सेवा दिखाई। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं वो अपने जान की माता के लिए बहुत सेवा करी।
पर जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए शांत समय बहुत असुरों के साथ उन्होंने युद्ध किया। कभी मैंने तो उनको बोला नहीं कि प्रभु आप थोड़े से एक गिलास दो गिलास पानी पी लीजिए फिर लड़ते रहना। प्रहलाद महाराज जी का भी ऐसा किया नहीं, परंतु वे कहते हैं जब भी रामचंद्र कहीं जाते हैं उनके लिए सया को लगाना, उनके लिए पादुका को सही स्थान पर लाना, हनुमान जी उनके एक एक काम को अच्छे से करते थे। प्रभु जैसे चाहते थे अब उनको कष्ट ना है, इसीलिए उन्होंने अपने कंधे पे बिठा करके ले आए। लक्ष्मण जी को शक्ति से लगा तो राम जी के काम को निमित्त बन करके हनुमान जी ने गंधमार्दन पर्वत को लेकर आए, तो सारा सेवा उन्होंने किया। जब जब भी जरूरत पड़ा सब हर समय पर करते थे। तो इसीलिए कहता है कि जब हनुमान जी कोई भी इसको सफल नहीं कर पाए तो माता सीता जी के ठाक करने के लिए हनुमान जी इतनी बड़ी कारनामा कर दिखाए जिसको कोई नहीं ला सका था, वो भगवान के नाम के सहारे हनुमान जी उसको करके दिखाए। और दूसरी बात है कि भगवान की सेवा तो हनुमान जी करते ही है, पर यहाँ पे एक शिक्षा भी है किसी भी योनि में है। देखो एक बात जरूर है, हमारे जिस समय बहुत साल पहले चैतन्य गौड़ीमठ मायापुर में पानी भर गया था, गौड़ीमठ के ऊपर ही पानी आ गया था क्योंकि गंगा के बिल्कुल किनारे पे, तो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे होकर आ गए। उस समय श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्य लोग थे उनमें से भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी थे। उस समय सब लोग भी वही उसी उच्च स्थान पे आश्रय ले रहे थे क्योंकि लोगों वालों के घर जो है नीचे स्थान पे था, इसलिए वे सब लोग उस स्थान को छोड़ करके चैतन्य गौड़ीमठ में आश्रम में आए क्योंकि गंगा बहुत ऊपर के आ गई थी। तो लोग भी आए थे, लोग भी अपने आपस में थोड़े से एडजस्ट कर रहे थे, पर उस समय एक बात हुआ क्या कि एक कुत्ता भी उस समय आया। तो महाराज ने किया कि सब लोगों ने उसको ताड़ना करने लगे, भगाने लगे, तो महाराज ने उनका आश्रय दिया और आश्रय देकर के कुत्ता को क्या किया आश्रय दिया। जब इस बाढ़ की पानी जब कम होती चली गई और उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए तब वो कुत्ता भी तो चले जाना चाहिए था, उसके भी दोस्त उसके भी मित्र होंगे, परंतु वो कुत्ता नहीं गया और ना जाने के कारण उसने पूरा चैतन्य गौड़ीमठ में उसके जीवन जो लाइफ टाइम था पूरा उसने जो गौड़ीमठ में ही साधु संघ में व्यतीत किया है। यद्यपि 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है, परंतु भगवत और वैष्णवों की कृपा से अहेतु की कृपा से अरे अजामिल कितना पशु जैसा था और रत्नाकर कितना पशु जैसा था, मनुष्य योनि में भी पशुत्व की वो रहता है, परंतु हनुमान जी यहाँ पे प्रमाण करते हैं भगवान की सेवा के लिए शिव जी एक स्वरूप में आकर के अलग अलग प्रकार के उन्होंने सेवा की वो दिखाया। इसीलिए हनुमान जी उनकी कथा को भी कभी अपने हृदय से अलग नहीं किया, जैसे उस कुत्ता ने भी मठ में रहता था जब कथा होता था वो वहीं पे आकर के बैठ जाता, परिक्रमा करता, हर प्रकार का वो क्या करता, वो कुत्ता जो है पशु बुद्धि होने पर भी वो पूरा भगवत भक्ति की आचरण करता था। इसलिए यहाँ पे हनुमान जी दिखाना चाहते हैं यदि भगवान सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं। इसे बहुत उदाहरण है, हमारे जो रसिकानंद प्रभु एक हाथी को दीक्षा प्रदान की और वो हाथी जाता था रोज बाजार में भिक्षा मांगता था कि मेरे गुरुजी के लिए कुछ सामग्री दे दीजिए, हाथी ही अपने गुरुजी के लिए भिक्षा करता था। इसलिए हनुमान जी यहाँ पे दिखाया कि किस प्रकार राम जी की कथा में आविष्ट रह करके उनकी सेवा की जाती है। इसीलिए कल कह रहे थे ना यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम नमामि मारुति तमोत्तरक्षसा। कहते जहां जहां पे भी भगवान की राम जी की कथा हो कृष्ण की कथा हो वहां पे हनुमान जी किस प्रकार वहां पे अपने भाव को पोषण करते हैं, वो आते हैं सबसे पहले जाते हैं अंतिम समय में जितने भी साधु संत हैं उनकी महिमा को समझ करके उस स्थान की चरण ध्वनि को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और कथा किस प्रकार भाव से सुनते हैं। एक राम के नाम अगर कोई राम की कथा करता है तो राम का नाम तो लेगा ही, तो बस वही राम के नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू और उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं बाष्प से और उनकी पुलकित रोमावली जो है पुलकित होकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो हनुमान जी हैं वो भगवान की कथा को इस रस से श्रवण करते हैं। एक भगवान की राम के नाम को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है वो हमेशा हनुमान जी ये कोशिश किया है कि सबको पहुंचा जा सकता है। एक समय हनुमान जी हुआ क्या कि एक ऋषिशृंग पर्वत के ऊपर साधु संत की जमावड़ा था, तो जैसे साधु संत की वहां पे वो हुआ था
राम तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके अंडर में जो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी अलग अलग प्रदेश की जैसे सरकार होते, ऐसे ठीक हनुमान जो राम जी थे उनके अंदर में भी कई राजा थे। तो सारे राजा उस ऋषिशृंग पर्वत के ऊपर जो साधु संतों की जमावड़ा हुआ था वहां पे मिलने के लिए गए। सारे राजा जा रहे और उनके राज्य में उनके देश में एक राजा था जिसका नाम था सुभान। अब सुभान भी सोचा कि भाई मैं भी जाऊं, मैं भी वहां पे देखूं साधु संत आए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुभान जी ने साधु संतों के पास चलने के लिए तैयार। अब जैसे भागते भागते जा रहे इतने में नारद जी उसी रास्ते से आ रहे थे और नारद जी ने देखा कि सुकांत जो है बड़े उतावला से ये साधु संघ को ये भागता हुआ जा रहा है। तो सुकांत ने वहां पे क्या किया, हनुमान जी और राम नाम की शक्ति को दिखाने के लिए, क्या महिमा इस जगत में प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने सुकांत को वहां पे रोका और पूछा, सुकांत तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ये ऋषभ पर्वत के ऊपर जो साधु संत की भीड़ लगी है, मैं साधु संतों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, वहां पे बहुत साधु संत मिलेंगे, सबको प्रणाम करना। बोले हाँ सबको प्रणाम करेंगे। बोले वहां पे एक विश्वामित्र ऋषि है तो वहां पे वो भी उपस्थित होंगे, बस केवल उन्हीं को ही प्रणाम नहीं करना। क्या करना, सबको सारे साधु संतों को तो करना, पर उसी दरबार में एक ऋषि है जो विश्वामित्र, उनको कभी भी प्रणाम नहीं करना। ठीक है आप नारद जी हैं, आप जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे। अब सुभान उस पर्वत के ऊपर आया, सबको प्रणाम किया, साधु उपयुक्त तो अपना जितना भी जो विनम्र भाव प्रदर्शन किया, पर उसी लाइन में जो विश्वामित्र जी थे उनके चरण उसने स्पर्श नहीं किया। क्यों, क्या नहीं कर सकता था, परंतु नारद जी का आदेश था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं को छोड़कर व्यतीत सबको प्रणाम किया। अब विश्वामित्र तो विश्वामित्र जी है, जैसे भृगु विश्वामित्र दुर्वासा ये महाराज, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, ये भगवान भी डरते हैं इनको, समझ रहे ना, इसीलिए इन्होंने और बड़े बड़े परीक्षा भी लेते हैं, खूब गाली और खूब अभिशाप भी देने वाले में से आते हैं ये सब। तो विश्वामित्र ने देखा अच्छा इसका इतना हिम्मत है, इसने सबको तो प्रणाम किया परंतु मेरे को प्रणाम नहीं किया। तो इसीलिए नहीं कि उनको मान नहीं मिला, इसलिए कि राम जी के राज्य में रह करके साधु संतों की अपमान है। विश्वामित्र की भावना नहीं था कि मेरे को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने कहा इसको उचित शिक्षा देने के लिए, कहीं आगे चलकर इससे बड़ा अपराध ना हो वैष्णव अपराध, इसीलिए शिक्षा देने के लिए वहां से विश्वामित्र क्रोधित अवस्था में राम जी के दरबार में आए। लक्ष्मण जी मिले दरबार के मुख्य दरवाजे पर, लक्ष्मण कहां है राम? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु राम तो शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जिस राज्य के राजा ही खुद विश्राम पे चला जाता है, उस राज्य की प्रजाओं की भी बुद्धि विश्राम पे चली जाती है। तो क्या हुआ, राम जी के पास लेकर आए, गुरुदेव आए, राम जी ने भी उनको बहुत ज्यादा सम्मान किया। उसके बाद राम जी ने उनको पूछा कि गुरुदेव के आदेश है, किस प्रयोजन से आप हमारे दरवाजे पे पधारे हैं? अब ये सुन करके बड़े क्रोधित तरीके से विश्वामित्र ने जो उनका जो स्मृति है उन्होंने सब उनको सुना, ये सुकांत है इतना ढीठ है, इतना अभिमानी है, इसने सबको तो प्रणाम किया पर मेरे को प्रणाम नहीं किया। अब विश्वामित्र कौन लगते हैं, राम जी के गुरु जी, मेरे गुरु जी को जिसने प्रणाम नहीं किया, जो मस्तक मेरे गुरु जी के चरण में सिर्फ जो मेरे गुरु जी के चरण में नहीं झुका वो सिर्फ कभी मैं उठने नहीं दूंगा, कल सूर्यास्त होते ही मैं उसको सूर्योदय के बाद मैं सुकांत की उस गला को छेदन करूंगा, तब छेदन करूंगा, बस ये प्रतिज्ञा हो गया। अब सुभान जैसे ही वहां से पर्वत से ऋषिमुख पर्वत से साधु संघ की वो खत्म हुआ, सुभान धीरे भागता हुआ आ रहा था इधर में, फिर दोबारा नारद जी मिलते, क्योंकि नारद जी तो सारा रचाए काम किया ना, इसीलिए वो वहां पे पहुंच करके सुभान को फिर दोबारा इंजेक्शन लगा दी, भैया तो कहाँ जा रहे हो, बस खत्म हो गया, आपने जैसे बोला था मैं करके तो आई हूँ। ठीक है तुम्हें पता है विश्वामित्र जी ने क्या कर दिया है, कल सूर्योदय के बाद तुम्हारा बदन स्थित करवाया है राम जी से। अच्छा ये तो भैया आपने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, अगर नारद जी गड़बड़ी आप कर सकते हो तो इसका समाधान निश्चित रूप से आपके पास होगा, बताइए मैं क्या करूं। तो नारद जी को नारद जी कहते हैं सुखा तो एक काम कर, यहीं से सीधा घर मत जाना, यहाँ से सीधा अंजना जो अंजनी माता है अंजनी माता के पास चले जाना और वहां पे तुम बस छिपे रहना और उनको बोलना कि मेरे को विश्वामित्र ने कल रात को सुबह होते मेरे को मार दिया, ये प्रतिज्ञा लिया है, बस माँ तो माँ होती को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देगी। अब सुकांत जो है वो सीधा आया कहाँ पे, हनुमान जी के माँ के पास, बोले कि माँ माँ मेरे को रक्षा करो, मैं तो बहुत आपद में पड़ा, अरे तुम्हें क्या हुआ,
बोले कल सुबेरे होते ही प्रातः होते ही मेरे को विश्वामित्र जी वधा करेंगे, ये नहीं कहा था ना नारद जी ने। नारद जी ने उनको बोला था कि राम जी मारेंगे, ये नहीं कहना, कहना क्या विश्वामित्र मेरे को मार देंगे। तो इतने में क्या हुआ कि वो छिप गए अपने वो उनके बेडरूम में चला गया। अब जैसे रात को शाम को खत्म करके भगवान की सेवा, अब हनुमान जी राम के नाम लेकर के पधारे, इतने में माँ तो बड़े व्याकुल और बड़े उदास भाव से दहरीज के ऊपर बैठी हुई। और माँ को इस अवस्था में देखकर के हनुमान जी को बड़ा संकोच हुआ। माँ तो मन सुखी और शांत गंभीर, क्या बात है, क्या हुआ माँ, आप परेशानी है? तो माँ बोलती है कि बेटा बस एक प्रतिज्ञा में से लेना है। अच्छा ठीक है बताओ, आज वहां जाकर के मेरे को अपने मन की बात बता, निश्चित पूरी करूंगा, मैं वचन देता हूँ। ठीक है तुम एक काम करो, ये सुकांत है इसको कल विश्वामित्र को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तुम्हें केवल एक ही बात करना है, इसे कल बचाना है, बस यही बात है। ठीक है, क्योंकि उनको तो पता है अगर प्रभु राम के नाम लेते तो हनुमान कभी ना लड़ते, क्योंकि मेरे प्रभु के साथ मेरे माँ मेरे प्रभु के साथ मेरे को बिड़ाएगी, इसलिए वो माँ को भी त्याग कर सकते हैं प्रभु राम के लिए। इसीलिए ये कहा उनको कि कौन मारेंगे विश्वामित्र, तो इनके प्राण बचा देना। तो सुकांत जैसे तैसे भी कल मैं इसके प्राण बचाऊंगा, ये प्रतिज्ञा हनुमान जी ने ले लिया। अब हनुमान जी प्रतिज्ञा ले लिया, सुबेरे हुआ, सुबेरे होते ही जैसे राम जी पहुंचे, हनुमान जी राम जी के दरबार पहुंचे और राम जी को पूरा सरदर्श करके तैयार हो रहे थे, अपने म्यान में अपने दुलिर में सब बाण वगैरह सब लेकर सारा धनुष लेकर अपने सो जोतों की घोड़ों से जोते हुए रथ के ऊपर विराजमान होकर जैसे अयोध्या जा रहे थे अयोध्या से, इतने में हनुमान जी पहुंचे। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आज मैं वध करने के लिए जा रहा हूँ, सुकांत के इसने मेरे गुरु जी के चरण में अपराध किया। बस अब हनुमान जी को जल्दी पता लग गया कि कहीं ना कहीं ये सुकांत ने माँ को फोन करके ये कपट रचा है। तो इसने अच्छा वचन तो दे चुका हूँ, अब मैं मेरी सत्य तो रक्षा करनी चाहिए। हनुमान जी सीधे उड़ करके सुकांत को लेकर के एक जगह पे बैठ गए और उसके पीछे अपने जो हनुमान जी है उसके पीछे उनके पीछे सुकांत को बिठा करके भगवान की नाम लेने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जैसे उसको संधान करते हैं वो हजार खेचते हैं तो वो लाख गुना, और जब वो एक व्यक्ति को लगता है तो एक राम की बाण करोड़ों करोड़ों गुना शक्ति से जा करके उसके शरीर को भेद करता है, क्योंकि ये सारंग और धनुषधारी श्री राम प्रभु है। और जैसे उन्होंने एक बाण मतलब संधान किया तो करोड़ों गुना हुआ। अब करोड़ों गुना बाण लगा किसको? हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम जी के नाम ले रहे। यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं
कहते नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिने, जो भगवान है वो उनके नाम के साथ कोई भी किसी भी प्रकार भेद नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो भगवान के नाम और उनके विग्रह में भेद दिखता है वो नरक कामी है। भगवान के जो हम नाम कर रहे हैं और भगवान में किसी भी प्रकार कोई भी भेद नहीं है, तो इसलिए हनुमान जी जब नाम ले रहे थे सारे शरीर में उनकी राम जी समाये हुए थे और उनके हृदय में तो प्रभु श्री राम और जानकी माता विराजमान है ही। इसलिए जो वो तीर लगा कहां पे लगा, हनुमान जी को लगा, पर हनुमान जी के ऊपर कौन बैठे हुए हैं, तो लगे किसको, राम जी को। और हनुमान जी मारे और बेहोश कौन हुए, राम जी। और दूर से देख रहे थे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण ने देखा कि राम जी तो तीर मार रहे और लग किसको रहा है, हनुमान जी को, पर बेहोश कौन हो रहे, राम जी। तो एक बार तो उठा दी, दूसरी बार जब ऐसे दोबारा छेदन किया और दोबारा तीर चला और दोबारा लगी हनुमान जी को और फिर दोबारा बेहोश कौन हुए, राम जी। अब तो लक्ष्मण जी चिड़ में आ गए, छू में आ गए। उन्होंने तुरंत उठा, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं आपको पता है, ये जो राम नाम रूपी चक्र के भीतर ये दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए आप जो है पूरा एड़ी चोटी के जोर लगा दे, इसको आप नहीं मार सकते। इसलिए क्या कर रहे हैं, जितने भी जोर से भेद कर रहे हैं उतना जोर आपको लग रहा है, इसलिए मत मारिए इसको। अब राम जी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राम का नाम लेना तो जीव के हाथ में, भगवान भी चाहे तो उसको नहीं छुड़ा सकते। अब राम जी के नाम लेते जा रहे हैं, इतने में राम जी बोले भैया क्यों कर रही है सब चीजें। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु बस यही है कि मैं सुकांत को बचाने जा रहा हूं। बोले मेरी सुकांत को ऐसा क्यों, ये क्यों अपराध किया। इतने में वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी बोले सुकांत जो हो गया हो गया, अभी तुरंत जा विश्वामित्र के चरण में गिर जा, विश्वामित्र क्षमा कर देंगे तो रघुनाथ अपने वचन को वापस ले लेंगे और तुरंत बच जाएगा। इतने में जो सुकांत था वो तुरंत गए विश्वामित्र जी के पास और विश्वामित्र जी को प्रार्थना किया। कहते ना संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय कैसा होता है, मक्खन से भी कोमल होता है। गिर में चरण में गिरा पड़ा सुकांत को देख करके विश्वामित्र का जो पूर्ववत मन था वो पिघल गया। उसको उठाए और राम जी को बोले राम मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें मैं वापस वचन देता हूँ कि तुम अपने वचन को दोबारा वापस ले लो। तो राम जी ने उसको वापस लिया। परंतु राम जी यहाँ पे कहते नारद जी आपको अगर पता था ऐसा होने वाला है तो आपने ऐसा लीला क्यों करी। बोले प्रभु जी मैं तो स्वर्ग मर्त कैलाश और वैकुंठ सब जगह घूमता फिरता हूँ, जितने लोग मेरे को देखते हैं ना सभी मेरे को पूछते हैं कि आप नारद जी बहुत राम जी के नाम लेते हो, कृष्ण के भगवान के नाम लेते हो, तो एक बात बताओ राम जी बड़े या राम जी का नाम बड़ा है, क्योंकि आप कभी आपके सामने संग में तो कभी राम जी को हमने देखा नहीं, इसलिए केवल आपके सामने आपके मुख में तो हमने भगवान के नाम देखा है, इसलिए आप हमें बताओ हम राम जी को पूजे या उनके नाम को पूजे। तो मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कौतुक कुछ ऐसा लीला करी जाए जिसके माध्यम से ही पता हो जाए जगत विदित हो जाए राम से बड़ा, इसलिए राम से बड़ा प्रभु से बड़ा अंत से निकला हनुमान। बड़े पंडित जी तुम बोलो तो, कल मैंने जो हनुमान को बारे में जो बताया उसको बोल दो, क्या याद है। हाँ खड़े हो जाओ, हाँ जो याद है उसको बोलना, खड़े हो जाओ पंडित जी, जो जो याद है बोलना, कल जो सुनाया था। हरे कृष्ण हरे माइक लो वहाँ से, हाँ चल चल किन चल चल। हरे कृष्ण हरे बोलो उधर घुमा दे, उधर घुमा दे। सर्वप्रथम मैं अपने बुद्धि ओम श्री महाराज जी के
श्री चरण कमलों में नमन कोटि साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के सभी चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ तथा सबसे अपने अहित की प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव का आदेश जो है कल जो श्रीमद् भागवत ग्रंथों में भक्त की महिमा गुरुदेव बता रहे हैं उसमें कर्म भाई चलते चलते हम हनुमान जी की महत्व को उनकी महिमा को सुन रहे थे। तो उसी प्रकार जैसे आपने सुना थोड़ा सा मैंने भी सुना पर मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा कि जो कल बताया मेरी स्मरण शक्ति में मुझे याद कराकर मेरे मुख से बुलवाने की कृपा करें। मुझे आता कुछ नहीं, फिर भी आप कृपा करेंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा, अन्यथा मेरा सामर्थ्य नहीं है कुछ कहने की। श्री गुरुदेव जी ने बताया कि हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलवान पराक्रम थे। वो इस प्रकार पराक्रम क्यों थे? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही जन्म से ही भगवान का बल्कि जन्म से पहले जिसे गुरुदेव ने बताया कि उनका जो प्राकट्य हुआ है वो हुआ ही भगवान की सेवा के लिए है और उनका और कोई कारण नहीं होने का। स्वयं देवादिदेव महादेव जो वैष्णव नाम यथा शंभु है जो हर समय भगवान की सेवा में भगवान के नाम में उनके लीलाओं में उनके ध्यान में हर समय मग्न रहते हैं वे ही हनुमान जी का स्वरूप धारण करकर श्री राम लीला में प्रकट हुए आए हैं सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। ये तो बहुत विशेष बात है, फिर भी गुरुदेव ने उनके लिए बहुत सारे बात बताई है कि जब केशरी नंदन केशरी महाराज और अंजना माता के सानिध्य से भगवान जी का जन्म हुआ, उसको तार को छोड़ इधर, हाँ ऊपर उसको ही पकड़, हाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है तो वे बचपन से बहुत प्राकृत थे। जब एक बार उनको बताया, उन्होंने एक बार अपनी माता से सुना था कि उन्होंने एक बार वे बाग में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बार कच्चा फल खा लिया था तो उनको तबीयत बिगड़ गई थी और माता ने पूछा था कि तुमने क्या खाया, उन्होंने मेरे पास से एक इस तरह का फल खा लिया तो उन्होंने बताया कि जब भी तुम्हें फल खाना है तो उसको देख लेना वो अच्छी तरह से लाल हो और गोल गोल होगा और इस तरह से होगा। तो उन्होंने याद किया ठीक है मैं जब भी खाऊंगा इस तरह का फल खाऊंगा वैसा नहीं खाऊंगा। तो एक दिन सुबह का समय था, महाराज केसरी और अंजना जी माता वे पूजा अर्चना के लिए मंदिर में गए हुए थे और वे जब वे सुबह सो गए उठे तो उनको बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने रसोई गृह में देखा कि उनको कुछ नहीं मिला तो जब वे अपने खिड़की के पास गए तो उन्होंने दूर देखा, दूर तो देखा उन्होंने सूर्यनारायण देव को, पर उनको लगा जिस प्रकार से माता ने फल के रंग का रूप या जिस प्रकार से शोभा बताया था वो उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर फल है, माता ने इसी प्रकार का उनका रंग बताया था, लाल लाल है गोल गोल है और बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो उन्होंने उसको खाने की चेष्टा हुई तो वे उसको खाने के लिए उस तरफ चल पड़े और वो जैसे जैसे उस तरफ जाते तो वो दूरी तो बहुत दूर थी पर उन्होंने जमन में खाने लिया क्योंकि शुरू से था और वे अपनी बुद्धि को भूल चुके थे। किस कारण से भूल चुके थे? जब वे छोटे बचपन में थे तो वे बहुत अपनी शक्ति का उन्हें पता नहीं था कितनी शक्ति अपने में कितनी शक्ति उनमें थी कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर मैं कितनी शक्ति हूँ। तो वे जैसे ऋषि पास उस समय ऋषि वगैरह सब आप इधर उधर तपस्या करते थे तो वे जाके उनके साथ हकेली करते थे। तो एक दिन एक ऋषि ध्यानमग्न एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो वे उन ऋषि को पेड़ समेत और बिना उनको हिलाए डुलाए जड़ सहित उस पेड़ को वे उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर रखा है। जब पहाड़ की चोटी पर रखा है तो वहां जब ऋषि की तपस्या उनका ध्यान पूर्ण हुआ और उनकी आंखें खुली तो वे वहां से घबरा गए कि यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने वहां से ही ये उन्होंने अपना ध्यान लगाया कि ऐसे किसने किया, उनको पता चला कि ऐसे केशरी नंदन हनुमान एक बालक है उसने
अपने अथाह प्रकाश शक्ति के कारण इस प्रकार की है। तो उन्होंने वहीं से उसको श्राप दे दिया कि तू ये शक्ति का जितना तुझे ये सब गुमान है, ये तुझे जब तक कोई याद स्मरण नहीं कराएगा तो इस शक्ति को यूज नहीं कर सकता, तू भूल जाएगा। तो ये शक्ति वहां से भूल गए थे। तो जब वे हनुमान जी उस तरफ चले सूर्यदेव को निकलने के लिए, एक फल समझ कर एक फल है मैं इसको खाऊंगा, तो वे तो उड़ चले, उनको अपनी शक्ति था ना, फिर भी वे उड़ते चले जा रहे थे, उड़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने जाकर उस सूर्य को अपने मुंह में ले लिया, क्योंकि उनको सदा फिर भी ले लिया क्योंकि फल था, आपको समझे। जब उनको उन्होंने उस सूर्य को अपने हाँ बोल दो हाँ सो क्या क्या मुंह में ले लिया, फिर क्या हुआ? उन्होंने इसको मुंह में ले लिया तो पूरा ही ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड का वो थी, हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य, ऐसा नहीं है कि एक ही सूर्य है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य है। तो जिस ब्रह्मांड को जो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में हो गया, वो जब अंधकार में हो गया तो वो सभी देवी देवता चिंतित में पड़ गए कि ये एकदम कैसे हुआ। तो जब जो उस ब्रह्मांड के राजा थे इंद्रदेव, उन्होंने देखा कि ये इस बालक ने किया है, तो उनके पास एक अपना हथियार था व्रज, जिसका नाम है वज्र, तो उन्होंने वो फेंक कर मारा तो वो उनकी ठोड़ी पर लगा। ठोड़ी को एक ठोड़ी का एक नाम हनु भी है, इसको हनु भी कहते हैं, इसी से उनका नाम हनुमान भी पड़ा। उससे पहले उनको पवन पुत्र या केसरी नंदन के नाम से जाना जाता, तो वहीं से उनको हनुमान दिया। जब उनको ठोड़ी पर वो वज्र लगा तो उनको चोट आई और वे वहीं से नीचे गिरे और सूर्य देवता उनके मुख से निकल गए, जिससे पूरा ब्रह्मांड दोबारा प्रकाशमान हो गया। तो जब वे नीचे गिर रहे थे उस समय पवन देवता ने ये देख लिया, उन्होंने उनको अपनी गोदी में ले लिया और उड़ के गुफा में ले जाकर अंदर चले गए और अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर उन्होंने उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जितनी भी पूरी हवा थी पवन देव थे, उन्होंने सारी हवा को उसी गुफा में समेट लिया। जब उन्होंने वो हवा समेटी तो सांप की हवा एकदम बंद हो गई, सभी लोग घबराने लगे ये क्या हुआ, एकदम सभी तरह चारों तरफ तरह तरह मच गई, क्योंकि बिना हवा के यहाँ पे भी हवा है, अगर आपको हवा नहीं लग रही ऐसा महसूस करो कि बिना हवा के कुछ भी चीज नहीं रुक सकती, चल सकती, सांस ले सकती। तो हवा अगर महसूस हो रही है तो जब तो है ही है, अगर नहीं है जब भी चारों तरफ हवा ही है। तो जब उन्होंने कि कोई पक्षी उड़ नहीं पा रहा था, कोई जानवर सांस नहीं ले पा रहा था, किसी प्रकार की भी कोई मतलब सब कुछ तह सब कुछ बंद हो गया और जितने भी जीव जंतु थे उनकी मृत्यु होने लगी धीरे धीरे। तो जब सबने इस बात का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जो पवन देव है उन्होंने ऐसे ऐसे गुफा में हनुमान को चोट लगने के कारण उनके व्यूह में सारी हवा को अपने आप खींच लिया है, उस हवा इसलिए वे सब उस गुफा में एकत्रित हुए, जितने भी सभी देवी देवता वहां एकत्रित हुए। उन्होंने वहां एकत्रित होकर पवन देव से प्रार्थना की कि आप सृष्टि को बचा लीजिए और इस हवा को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं, जब मेरे बेटे को बिना किसी कारणवश एक बच्चा भी नहीं समझा, उसको इतनी व्रज से जो सबसे बड़ा इस समय हथियार था इंद्र जी के पास उससे मार दिया, तो मैं क्यों इसको सहन करूं। तो जब सबने उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने सबने उन हनुमान जी को सबने अलग अलग वर दिए, उनको अजर अमर का व्रत दिया। अग्नि देवता ने कहा कि तुम कभी तुम्हें अग्नि कभी स्पर्श नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने किया कि मेरा जो सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्म अस्त्र है वो तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा। इंद्र ने दिया कि मेरा वश तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जितने भी देवता थे सभी ने उनको अलग अलग वरदान दिए और वे अजर अमर हो गए। इससे पवन देव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस हवा को दोबारा फिर वहां से छोड़ दिया। जब उन्होंने हवा को छोड़ दिया तो जब सृष्टि में पूरी निश्वास आई तो जब वो ठीक अपनी ठीक हरे हरे कृष्ण बोले श्री हनुमत लाल की, बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे तेज कर दे हरे राम 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 जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण गतकले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री प्रहलाद महाराज ने श्री हनुमान जी की विशेष विशेष महिमा को उनको बताया। एक श्लोक है रामायण में हनुमान जी कितने तरह से प्रभु राम की सेवा करते हैं। बोले दास्यम सख्य वाहनम मासनम ध्वजा छत्र बितानम व्यंजनम बंदी मंत्री भिषक जुधापति सहाय श्रेष्ठ महाकीर्ति वर्धनश्च। इस श्लोक में बताए कितने तरह से प्रभु राम की हनुमान सेवा करते हैं। पहला नंबर है दास्यम, इसलिए नौ तरह का भगवान की भक्ति है। कितने तरह के? नौ तरह की। किसने बताया? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज जब उनको पिताजी ने पूछा ये बताओ तेरे को मैंने जो गुरुकुल में भेजा था लिखाई पढ़ाई के लिए, तुमको गुरुजी ने जितना विद्या पढ़ाई वो विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या किया है। अभी उनको याद आया बोले मेरे गुरु तो ये संढामर कहे नहीं सांड और बंदर है ही नहीं, मेरे गुरु तो जब माँ की पेट में था तो नारद जी मेरे मैया को जो हरि कथा सुनाए मैं माँ की पेट में बैठी बैठी करके सारी कथाओं को मैंने सुन लिया, इसलिए मेरे गुरुदेव कौन है? श्री नारद जी मेरे गुरुदेव। तो मेरे गुरुदेव ने क्या कथा सुनाई, उन्होंने उनको स्मरण किया। स्मरण करते हुए बोले सबसे उत्तम विद्या बोलो, देखा सारे सभासद वहाँ बैठे हुए थे, बोले सबको हम सुना सुना करके सबको बता दूंगा विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या किया है। फिर तो उन्होंने बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन अवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन मन्ने धीतमुतम। बोले पिताजी जगत में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, पहले तो अपनी आप गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाओ, हो करके फिर क्या करो, कीर्तन करना तो ठाकुर का ही कीर्तन करो, श्रवण करना तो ठाकुर की कथा सुना, स्मरण करना तो भगवान की स्मरण करो, और सेवा करना तो ठाकुर की ही सेवा करो। इसलिए जो नौ तरह का भक्ति में एक भक्ति है दास्य। दास्य मतलब दासत्व करना। दासत्व भक्ति में कौन है? बोले श्री हनुमत लाल जी, ये भगवान की दास्य भक्ति करके ठाकुर जी को उन्होंने प्राप्त किया है श्री हनुमान। इसलिए कहते हैं कि तो नौ तरह का जो भक्ति है, अगर एक भक्ति अगर आपने कर लिया है, सब नहीं एक भक्ति अगर कर लिया तो उसको द्वारा ही भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एक तरह का भक्ति किसने किया? बोले श्री हनुमान जी दास्य भक्ति, केवल प्रभु राम की उनने सेवा की है और केवल सेवा के द्वारा ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और कितने तरह से सेवा किया आपको पता होगा है, कितने तरह से ठाकुर की, कितने तरह से ठाकुर जी की, जब विश्राम करते थे हनुमान जी ठाकुर जी की चरण की सेवा करते थे, जब सेवा करते थे एक समय भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता मैया चारों ने मीटिंग किया, बोलिए बंदर
दिन भर प्रभु का राम की सेवा करता है, हमें सुजोग नहीं देता सेवा के लिए। बोले एक काम करो, भाभी को बोले बोले सीता जी आप एक काम करो, आप अंदर का सेवा आप ले लो, हम जो तीनों भैया बाहर का सेवा हम तीनों भाई ले लेंगे, ये बंदर को निकालो यहाँ से, ये कोई सेवा हमें करने नहीं देता, निकालो इसको सारे सेवा से हटा दो। बोले हनुमान इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले घर से निकलो। बोले क्यों? बोले आज से अंदर का सेवा भाभी की और बाहर का सेवा हम तीनों भैया की, तुम किसको सेवा करने नहीं देते हो? हनुमान जी बोले देखो मैं तो प्रभु राम की सेवा को छोड़कर रह ही नहीं सकता हूँ। जब हनुमान जी को बोले तुम जब विश्रामकरण लेने जा रहे थे, हनुमान जी को बोले थोड़ा विश्राम करो। बोले राम सेवा ही मेरा विश्राम है, राम की सेवा ही मेरा विश्राम है, इसलिए बोले राम की सेवा के बगैर तो रह नहीं सकता हूँ, मेरे को कोई एक छोटी मोटी एक कोई सेवा दे दो जो सेवा से मैं संतुष्ट रहूँगा। देखे इसको ऐसे एक सेवा दिया जाए जो प्रभु की कोई जरूरत ही नहीं। बोले कौन सा सेवा? बोले जब जम्भाई लेंगे ना, चुटकी बजा देना जम्भाई। जम्भाई किसको आता है बोलो? जब शरीर में आलस्यता आएगा तभी जम्भाई आएगी, नहीं तो जम्भाई नहीं आएगी। लेकिन भगवान को थोड़ी आलस्यता है, बोले भगवान को तो कभी आलस्य आएगा नहीं, इसलिए बोल दो जब प्रभु की आलस आएगा ना तो जब तो चुटकी बजाते रहना। बोले ठीक है। बोले जाओ बाहर, जाओ गेट को बाहर बैठो। गेट को बाहर बैठा दिया, सोचा पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाएगा। बोले पहले से ही चुटकी बजाना शुरू करो। बस हनुमान तो चुटकी बजाना शुरू कर दिए और रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राजा राम पति पावन जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता। अभी उसने तो चुटकी बजाते हुए प्रभु का कीर्तन करने लग गया। बोले भगवान की अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुण में जो भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? बोल सकते हो भगवान की सबसे श्रेष्ठ गुण क्या? सारे गुणों में कौन सा? हाँ, ये जो भक्त वात्सल्य है, मतलब क्या है? भगवान भक्तों का प्रेम में बसीभूत होना, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ गुण, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल। भगवान की जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भक्तों का प्रेम में बसीभूत होना ये भगवान की ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए जब हनुमान जी चुटकी बजाने लग गए, और हनुमान तो भगवान की परम भक्त है, इसलिए दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम जी चले ना हनु, इसलिए जब उसने चुटकी बजाना शुरू कर दी प्रभु का कीर्तन करते हुए, प्रभु को कभी भी जम्भाई नहीं आती थी। ओए जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई बंद नहीं हो। अभी सबका सेवा बंद, सेवा कब होगा? जब सुस्त होगे तब तो सेवा होगा ना, हैं? प्रभु तो जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई के ऊपर जम्भाई, सबका सेवा खत्म बंद। बोले क्या हो गया आज प्रभु के इतने जम्भाई क्यों आ रहे हैं? बोले डॉक्टर वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाए, नाड़ी देखा, बोले प्रभु तो चंगे हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बोले प्रभु तो ठीक ठाक है। बोले हनुमान जी कहाँ हैं? बोले उसको हम बाहर निकाल दिया हैं, क्योंकि सारे सेवा अकेला कर लेता था, उसको बाहर निकाल दिया। बोले वो कर रहा है क्या? वो बोले बैठ कर चुटकी बजा रहे हैं, पता नहीं प्रभु कब जम्भाई आ जाए। बोले इसलिए तो प्रभु को इतने जम्भाई आ रही है। अगर आप प्रभु का जम्भाई बंद करना चाहते हो, पहले हनुमान का चुटकी बजाना बंद करो। बोले भैया चुटकी बंद करो, तुम क्यों चुटकी क्यों पहले से बजा रहे हो? बोले मेरे को तो बाहर निकाल दिया, अभी क्या पता प्रभु को कब जम्भाई, प्रभु को कब जम्भाई आ जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही चुटकी बजाता हूँ। इसलिए बोले भैया इसका सारे सेवा को वापस दे दो, अपने आप जम्भाई बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहला नंबर कहते भगवान का जो दास्य रस में हनुमान जी प्रभु की हर समय प्रभु की सेवा करता है, चरण की सेवा हर समय प्रभु जी
चरण की सेवा करते रहते हैं। दूसरा क्या, बोले भगवान का सखा भी हनुमान है, हैं? बोले सखा कब होता है, जब कोई विश्वास पात्र होता है तभी कोई सखा बन सकते हैं। इसलिए भगवान की परम सख्य रस में भी ये प्रभु की ये सेवा को करते हैं। तीसरा इनका जो सेवा है, कद ये वाहन आसनम, कद भगवान की जो वाहन रूप में है, आप लोग रामायण देखे होंगे जिस समय युद्ध हो रहा था किसको, मेघनाथ को साथ में, इतने में हनुमान जी लक्ष्मण को बोले देखो वो तो मेघनाथ जो युद्ध कर रहा है वाहन में और आप पैर में खड़े हुए हो, इसलिए आप क्या करो मेरे कंधे के ऊपर बैठा दो। बस कंधे पर बैठा दिया, बैठा करके हनुमान उनको युद्ध करवाए। और जिस समय आप रामायण देखे होंगे जिस समय राम लक्ष्मण को माता सबरी ने बोले अगर तुम सीता जी को खोज करना चाहते हो तुम सुग्रीव को साथ में मित्रता पहले बनाओ। बोले सुग्रीव कहाँ रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, किष्किंधा में, उस समय पहले छुप करके रह रहे थे सुग्रीव अपना हनुमान मंत्री और ऋषि सिंह पर्वत के ऊपर में वो छुप करके रह रहे थे, उनको साथ में मित्रता कर। इतने में हनुमान जी ने देखा दो महावीर हैं किस चीज को पूछताछ कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी रूप बदला करके आए हैं, जब रूप बदला करके आए बाद में पता चला ये कौन है, श्री राम लक्ष्मण, माता सबरी ने उनकी पता बताए सुग्रीव का साथ में मित्रता बनाना चाह रहे हैं। फिर हनुमान जी को बोले प्रभु मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि बहुत उच्चे शिखर में सुग्रीव रहते हैं। बस हनुमान जी अपना कंधे के ऊपर बैठा करके उनको आकाश में उड़ चले। इसलिए भगवान का आसन रूप में भी हनुमान जी आसन रूप में भी उनको व्यवहार करते हैं। बोले ध्वजा और छत्र, अगर राम लक्ष्मण कहीं बैठे हुए हो हैं, अगर कहीं धूप है, हनुमान जी की इतने विशाल काय शरीर था, इतने विशाल काय शरीर, जब वो बैठ जाते थे सूर्य छुप जाते थे और छाया हो जाता था, हैं? अगर प्रभु की छत्री की जरूरत हो, हनुमान जी क्या करता था, अपना जो पूछ कही उन्होंने छत्र रूप में बना देते थे। इसलिए छत्र रूप में भी हनुमान जी ने की सेवा किया। कहते कहते हैं व्यंजनम, अगर प्रभु की अगर हवा करे तो हनुमान जी अपने पूछ में भी हवा कर देते थे भगवान को। कहती है बंदी, बंदी मतलब होता है भगवान को बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा हनुमान जी भगवान को स्तुति भी करते थे। कहते हनुमान जी बोले मंत्री, हनुमान जी मंत्री का काम भी श्री हनुमान जी करते थे। कहीं अगर संदेश भेजना, कहीं संदेश लाना, ये हनुमान जी ये मंत्री का काम भी श्री हनुमान जी मंत्री का काम किया। बोले भिषक, भिषक मतलब होता है औषध, हैं? जिस समय लक्ष्मण का शक्तिशैल हो गया और इतने में विभीषण ने बोले एक उपाय है, अगर कोई व्यक्ति लंका में जाए और सुषण वैद्य है और बहुत रावण का है एक नंबर वैद्य है, हर तरह का जड़ी बूटी उसको पता है, अगर उसको किसी तरह से ले आया जाए ना, फिर तो वो बता सकता है। हनुमान जी गए, अब रामायण देखा है ना, पूरा उसको घर समेत उन्होंने उठा करके ले आए, पूरा घर समेत। बोले भैया तुम कौन हो, मेरे को अभी मृत्यु नहीं आया है, अभी तुम कहाँ उड़ा करके ले जा रहे हो। बोले तुम्हारी कल्याण करने के लिए। बोले कल्याण करने के लिए, बोले तुम कौन हो। बोले हनुमान। बोले हनुमान जो पहले आकर के लंका में आग लगा कर चला गया था, तू वही हनुमान। बोले मैं वही हनुमान। बोले उड़ा करके कहाँ ले जा रहे हो। बोले प्रभु की सेवा में। बोले वहीं पर चलो, वहीं पर पता चलेगा। जब वहीं पर लाए, लक्ष्मण का नाड़ी को देखा, बोले देखो नाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ये बचने का एक उपाय लेकिन असंभव है। बोले क्यों, बोलो क्या बात किया। बोले अगर इस आज एक रात में अगर कोई जाए गंधमार्दन पर्वत के ऊपर विशल्यकरणी हैं, अगर वो दवा को कोई लेकर के आए ना, फिर तक बचने का कोई संभावना, लेकिन ये तो असंभव लग रहा है। क्यों, कहाँ, ये भारत की एक अंतिम छोर में कहाँ संभव है इतना एक रात में लाना। हनुमान जी कहते चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और उन्हें चले गए और बीच में कौन आ गया,
काल नेमी साधु बन करके काल नेमी भी रास्ता गुरु करने की चेष्टा की। उनने काल नेमी को भी उन्होंने मारे और वहां पर जब गए देखा सारे वृक्ष जल रहा है, हाँ सारे वृक्ष का प्रकाश प्रकाशमय। बोले भैया कौन सा दबा लूं, किसको छोड़ू, पास कितना बलवान हनुमान जी, पूरा जय श्री राम बोल करके क्या किया उन्होंने, पूरा के पूरा उन्होंने पहाड़ को उन्होंने उठा लिया और पहाड़ को उठा करके ले आए। हैं ये काम किसने किया है, हनुमान जी। और जिस समय श्री मेघनाद ने फिर राम लक्ष्मण को नागफास बंधन में बांध दिया, वो ऐसे बंधन है अगर जब तक प्राण नहीं चले जाए ना ये बंधन छूटने वाले नहीं। इसलिए रावण तक विभीषण ये मेघनाद ने आग कर बोले बोले किसी तरह से पहले बच गए, अभी बचने का कोई उपाय नहीं, ये प्राण को ले करके नागफास बंधन तभी छूटेगा नहीं तो छूटने वाले नहीं। लेकिन बोले अगर कहीं वैकुंठ से गरुड़ को रात रात ले आए तो ये बच सकते हैं। हनुमान जी ऐसे रात रात कहाँ वैकुंठ गए और वैकुंठ से उन्होंने गरुड़ को बुला करके ले आए और गरुड़ ने नागपास बंधन को ये गरुड़ ने काट दिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री हनुमान जी कहते भीषक बोले जोधापति, जोधापति मतलब कहते उनका जो पार्टी था रामचंद्र का उसका जोधापति का मूल कौन था, सेनापति कौन था, कहते श्री हनुमान लाल जी। इसलिए सहाय श्रेष्ठ, अगर कोई विपत्ति का समय में अगर कोई भगवान की कोई सहाय हो तो कौन, श्री हनुमान जी सहाय रूप में हनुमान जी उनको मदद करते थे। इसलिए महाकीर्तिमान विभर दस्यो कहते अनंत रूप में हनुमान जी प्रभु राम की उन्होंने सेवा की। जब उन्होंने वापस लेकर के माता सीता को वापस लेकर के आ गई, मैया सीता इतने प्रसन्न हो गई, बोले हनुमान राम राम भी बोले बोले हनुमान तू नहीं होता है ना, कौन माता सीता को जा करके हैं इतने समुद्र को पार करते हुए कौन माता सीता को कौन पता लगा था, असंभव था। इसलिए इतने भगवान राम खुश हो गए, बोले बेटा वर मांगो, आज जो कुछ तू वर मांगोगे सारे वर देने के लिए तैयारी हैं, सब वर में देने के लिए तैयारी हूँ। हनुमान जी क्या वर मांगते हैं, बोले बार बार वर मांगो हरसे देहो श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु अगर वर देना तो एक ही हमें वर दो, क्या है, भक्ति सदा सतसंग, हमें अपना भक्ति दो, अनुपायनी अहितु की भक्ति दो और अपना भक्तों का संग हमें प्रदान करो। हैं इतने में भगवान राम ने क्या किया, हनुमान के सर पर हाथ रखा। अब रामायण देखे हो, जब उन्होंने हाथ रखा इतने में कैलाश में देखा शंकर जी की सर के ऊपर प्रभु राम का हाथ है और शंकर जी इतने गदगद हो गए, बोले पार्वती आज मेरे जीवन धन्य हो गया, देखो प्रभु राम मेरे सर के ऊपर हाथ रखे, मेरे को भक्ति अनुपायनी भक्ति प्रदान कर। शंकर जी बोले मेरे जीवन आज धन्य हो गया, प्रभु मेरे को वरदान दिया। मैया सीता खुश हो गई, बोले बेटा अगर तू नहीं होता तो मेरे को पता लगाना इतने आसानी बात नहीं था, मैं तो भरसा छोड़ दिया था, इतना दूर कौन आएगा सत्य योजना का लंघन करके और पता लगाएगा यहाँ पर माता सीता जी, असंभव था। इसलिए बेटा आज तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ। मैया सीता की गले में एक गजमती हार था, उन्होंने निकाल कर हनुमान को दे दिया। जो हनुमान को दिया, हनुमान जी एक एक मोती को लेकर दांत में काट रहा था, देख रहा था और फेंक रहा था। इतने में मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले बंदर का अदरक का क्या स्वाद बताए, हैं बोलते हैं ना, इसलिए कहते इतने कीमती गजमती हार मैंने तुमको दिया और तू दांत में काट काट कर फेंक रहे क्यों। बोले माता जी मैं देख रहा हूँ ये मोती में मेरे प्रभु का और मेरे माता जी का कोई नाम है कि नहीं, जिसमें मेरी सीता माँ और मेरे प्रभु राम की कोई जिसमें चिन्ह नहीं हो, मैं हनुमान उसको ग्रहण नहीं करता है, इसलिए मैं काट काट कर मैं फेंक रहा हूँ। बोले बात तो तू बड़े बड़े करते हो, हैं बात तो बड़े बड़े कर रहे हो, हैं बोले क्या बात है, बोले अगर ऐसे हो तो तेरे शरीर में क्या सीताराम, फेंक दे शरीर को। बोले देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे। इतने में उन्होंने अपना छाती को उन्होंने फाड़ दी, बोले देखो मेरे हृदय में सचमुच से देखा, हनुमान के हृदय में माता जानकी और प्रभु राम की निवास है। देख करके मैया को विश्वास हो गया,
सचमुच से हैं, सचमुच से ये हनुमान जी एक अनिष्ठ भक्त हैं। बोले श्री हनुमान लाल की। इसलिए हनुमान जी इतने रूप में श्री हनुमान जी प्रभु की सेवा गाई करते हैं। इसलिए कहता है जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर लाख करोड़ों जगह पर अगर प्रभु राम की कथा होगा तो राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है? बोले श्री हनुमान जी। उतना रूप धारण करते हुए हनुमान जी सब जगह पर जा जा करके हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हैं, रोम गदगद होते हुए प्रभु की कथा सुनते हैं, हैं? इसलिए कहते हैं राम कथा जो ही सुनत अघाई रस विशेष जानत तिनी नाही। मतलब क्या है? अगर हम कोई तरह ज्यादा हैं कोई कथा सुन लेना, अरे सुनी सुनाई कथा कितने सुनेंगे, अरे बहुत सुन लिया, कितना सुनेंगे? हम कहते ना, अरे कितना इतना दिन तक तो सुने, कितना कथा सुनेंगे? देखो अगर एक टाइम रोटी नहीं मिला ना, एक दिन तुम्हें रोटी नहीं मिला, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा आज दिन भर, हैं भैया? अगर रोटी में इतना आनंद हो सकता है, रस हो सकता है, तो प्रभु का नाम में, प्रभु की कथा में उतना रस नहीं है। इसलिए भगवान की कथा जितने सुना, जितना सुना, ऐसे लगता है हमने कभी कथा सुनी नहीं। इसलिए यहाँ पर से ब्रह्मा जी कहते हैं, कहते अगर कोई व्यक्ति एक दिन अगर कथा नहीं सुने, अगर उसको ऐसे लगे आज तो हमारे जीवन सारा दिन वृथा चला गया, समझनी चाहिए उसके हृदय में भक्ति थोड़ी थोड़ी आई है, हैं? इसलिए नारद जी भगवान से बोले, प्रभु मेरे को ये वरदान दो, जैसे तुम्हारी कथा सुन करके किसको तृप्ति नहीं हो, मतलब जितने सुने कथा और सुने और सुने और सुने, हैं? और जिसको जितने कथा में रुचि है ना, उसका भक्ति उतना ही बढ़ेगी। अगर कथा में रुचि, देखो इसी जगत में कोई लड़का अगर किसी लड़की को प्रेम करता है, लड़के लड़का को प्रेम करता है ना, अगर उसकी बात सुने तो उसको कान खड़ा हो जाता है, बोले किसकी बात हो रहा है, क्यों वो प्रेम करता है? कभी दीवार में नाम लिखेगा, कभी कापी में, कभी शरीर में हाथ लिखेगा, नाम लिखता है जिसको वो प्रेम करता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए भागवत में कहते धर्म सुनिष्ठित पुंसांग विश्वसेन कथा सुज न उत्पातयत यतिरथि श्रम एव हि केवलम। मतलब है अगर तुम्हारी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, समझनी चाहिए तुम्हारी भक्ति नहीं है। अगर भगवान की कथा सुने बगैर रहा ही नहीं जा रहा है, समझनी चाहिए तुम्हारी अभी भक्ति धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे भक्ति तुम्हारी बढ़ रही है। इसलिए हनुमान जी उतना रूप को लेकर के, बताओ हनुमान जी से बड़े कोई ज्ञानी हो सकता है? बताओ हनुमान जी से कोई बड़ा ज्ञानी हो सकता है? दुनिया में इतने बड़े कोई ज्ञानी हनुमान जी से नहीं, लेकिन जहाँ जितने कथा हो उतना रूप को लेकर के हनुमान जी सबसे पहले वहीं पर पहुँचते हैं, वहीं पर पहुँचते हैं हनुमान जी। इसलिए रामायण में कथा ही गोस्वामी तुलसीदास जी रोज शौच क्रिया में जाते थे, जिस लोटे में पानी ले जाते थे उसमें जो पानी बचता था एक नीम पेड़ को जड़ में डाल देते थे, लेकिन वो नीम पेड़ में रहता था प्रेत। प्रेत किसको खाता है कि कोई कौन पानी पीता है? वो अच्छे पानी को नहीं पी सकता है, पानी के पास में जब पानी सूख जाती है, खाने के पास में जाए तो खाना चला जाता है, कहीं उठ बैठ नहीं सकता जो प्रेतात्मा बनते हैं। लेकिन जो अपवित्र पानी उसको पीते हैं, वो बचा हुआ शौचक्रिया की वही पानी पीता था, वो जिंदा रहता था, एक दिन प्रकट हो गया। बोले तुलसीदास तेरे पानी से मैं जिंदा रहता हूँ। बोले मैं कब पानी पिलाता हूँ? बोले शौचक्रिया के बाद में लोटे में जो बच जाता तो डालता है ना, मैं उसको ही पीता हूँ। बोला तुमको क्या चाहिए? तुलसीदास जो राम भक्त है, बोले तुमको क्या चाहिए? हैं? बोले भैया छोटे मोटे चीज क्यों मांगे, हैं? ऐसे चीज मांगे जो सबसे बड़े चीज? बोले हमें राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हो? प्रेत ने कहा अगर मैं तेरे को राम लक्ष्मण दर्शन करा सकता था, फिर मैं प्रेत क्यों बनकर पड़ा हुआ हूँ? पहले तो मेरा ही उद्धार हो जाता। बोले मैं उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले अमुक जगह पर चले जा, रोज वहाँ राम कथा होता है, तुम देखना कथा से सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, कथा सबसे पहले, और सबसे पीछे बैठेगा, हाथ जोड़ करके गदगद होकर के प्रेम से आंसू बहाते हुए कथा को सुनेगा। जब कथा खत्म हो जाएगी, जब सबके सब चले जाएंगे, उसने सबको प्रणाम करेगा, कथा वाचकों को, कथा सुनने वालों को, कथा स्थली को प्रणाम करके वहां से धूल लगाएगा, वो जाएगा, वो हनुमान उनकी चरण पकड़ लो, बस तुमको राम लक्ष्मण का दर्शन हो जाएगा। बस उन्होंने ऐसे ही किया।
बोले देखो तुमको परीक्षा करेंगे, छोड़ना नहीं चरण, चरण जोर से पकड़ कर रखना। जब चरणों को पकड़ लिए, बोले मैं कुष्ठबाधित हूँ, दिख नहीं रहा है रुग्ण शरीर है, मैं मेरे शरीर में कूड़ है, मेरे को छू लिया मैं अपवित्र हो गया, तू मैं नीचे जाती कहाँ हूँ। बोले मेरे को भूत ने बताया अब हनुमान हो, हाँ मेरे ऊपर में कृपा करो आप हनुमान। हनुमान तो दयालु है, गुरु है ना दयालु। बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा दो। फिर उन्होंने बताए चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तलक तिलक दे दे रघुबीर। बस उन्होंने हनुमान की कृपा से ही उनको श्री राम सीता के दर्शन हुआ। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, कथा में रुचि होनी चाहिए। कथा में जिसको जितना रुचि ना, देखना उसका भजन भी उतना होगा। कथा में रुचि नहीं होगा ना, दो दिन बाद में माला भी छूट जाएगी, तिलक भी कहीं चली जाएगी, गले से कंठी सब उतर जाएगी। उतना व्यक्ति का भजन हो रहा है जितने लोग आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए। कंठी माला तो बहुत लोग ले लिए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में देखो ना, गले से कंठी नहीं, तिलक नहीं, माला भला क्यों। एक पौधा तो लगाया गुरुदेव, जब मंत्र दिए एक पौधा हृदय बीज बोए, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो कब तक पेड़ जिंदा रहेगा, दो दिन बाद मर ही जाएगी, सूख जाएगी। हैं ये भक्ति लता है, ये कथा, ये पानी है, ये पानी जिसको जो देखा है ना उसकी भक्ति की लता ही बढ़ेगी। नहीं तो बास मंत्र लेने पर भी वो दो दिन बाद में सारे मंत्र फंत्र सब छुटपुट जाएगी, भक्ति एक दिन ही सब खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करनी चाहिए, कथा में आकर के कथा सुनो, कथा सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहेगी। ठीक है, बोले श्री हनुमत लाल की। फिर हम लोग कल सुनेंगे हनुमान जी अपना अंदर में कमी किया, कमी बताएंगे। फिर हम चलेंगे कल पांडवों के पास में। अभी चिराग भाऊ जी जल्दी आओ, तुम लेट कर दिया बोले। इसलिए कल हम लोग जाएंगे पांडवों के पास में। यहाँ पर तो हनुमान जी प्रभु को सेवा कर रहे हैं, लेकिन कल हम सुनेंगे भगवान, यहाँ तो भक्त भगवान को सेवा कर रहे हैं, भगवान कैसे भक्त की सेवा करते हैं कल सुनेंगे। भक्त कैसे भगवान कैसे भक्तों की सेवा करते हैं कल इसे सुनेंगे। कृष्णा हरि कृष्ण, हाँ बोला। ओम, हाँ बोलो बोलो। ऐसे ऐसे बोल लो, हरे कृष्णा। ऐसे बोलो हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज थोड़ा समय का थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, थोड़ा लेट पहुंचा मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री महाराज जी के दिव्य महाराज कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग को श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज श्री महाराज जी का दोपहर में आदेश हुआ कि आप भरत चरित्र कहें, तो महाराज जी की कृपा से श्री महाराज जी के दिव्य महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ये दिव्य भरत चरित्र का थोड़ा सा कुछ अंश आपके सामने इन्हीं का ही दिया हुआ गुरुदेव का प्रदान किया हुआ ही प्रसाद आप तक मैं वितरित करूं। देखिए ये भरत जी है, ये बहुत अनमोल पात्र हैं श्री रामायण जी के। सारे के सारा पूरा विश्व राम 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 यह जपता है, लेकिन राम जी क्या जपते हैं, भरत 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 मेरे भरत यह जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, राम जी की जय जय जग जपु राम, राम जपु जे ही सीता, राम जी की जय जय। सारा पूरा विश्व राम 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 कहता है, लेकिन महाराज श्री भरत श्री राम जी भरत 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 कहते हैं। भैया राम जी की कथा श्री भरत के बिना अधूरी है, अधूरी है। राम जी की कथा को महाराज निष्कर्षता तक पहुंचाने के लिए ही श्री भरत जी का आगमन हुआ है।
भरत जी भगवान के, भगवान ने धर्म की स्थापना करी है, इसमें पूरा का पूरा सहयोग श्री भरत जी का ही है। बिना भरत जी की महाराज, बिना भरत जी के सहयोग से राम जी कभी मर्यादा मर्यादा की स्थापना नहीं कर पाते। अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बढ़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। हाँ परंपार भरत की महिमा को कर सके बढ़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। राम जी बार बार जल लेकर के शपथ खा करके कह रहे हैं, भैया भरत जैसा भाई पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में नहीं होगा, भैया भरत जैसा भाई पूरी सृष्टि में नहीं होगा। क्यों? राम जी कहते हैं, जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर दो लीला पूरी, जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर दो लीला पूरी, भरत बिना स्वयं भुव मन की रहती मांग अधूरी। हाँ भरत बिना स्वयं भुव मन की रहती मांग अधूरी। बाल चरित करे प्रभु दीने आनंद, बाल चरित्र करके प्रभु आप आनंद का वर्धन कीजिए, और महाराज युवा चरित्र में आप दिव्य धर्म की स्थापना कीजिए, ये सब अधूरा रह जाता बिना भरत जी के। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी, मम सेवा सुख हेतु जगत सुख सकल तजत तृण तूरी। हाँ मम सेवा सुख हेतु जगत सुख सकल तजत तृण तूरी। भैया मेरे सुख के लिए भजन ने सारे के सारे सुख को तिनके की समान त्याग दिया। मुनि मन अगम नियम यम शम दम, मुनि मन अगम नियम दम शम दम, दृढ़ कर लई है निभाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। हाँ अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बढ़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। महाराज जी भरत जी के बिना श्री राम जी कभी अपनी लीला को पूरी नहीं कर पाते। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वाल्मीकि जी कहते हैं भरत, भरत जी का नाम भरत क्यों पड़ा? भैया भस्य भगवत सेवार्थे सदार्ति अस्ति यस्मिन भरत, जो भगवत सेवार्थ के लिए जिनका प्रागट्य हुआ है ऐसे हैं श्री भरत जी। राम जी को देख लो और भरत जी को देख लो, दोनों एक ही है। राम जी को छुपा लो, भरत जी को निकाल दो, ऐसा लगेगा राम जी खड़े हैं। लखनलाल जी को छुपा लो, श्री शत्रुघ्न जी को निकाल दो, ऐसा लगेगा कि लखनलाल जी ही हैं। दोनों के दोनों एक ही जैसे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। भरत जी और राम जी दोनों एक जैसे लगते हैं महाराज। भैया अच्छा आप लोग पूछ, आप लोग हमारे गोस्वामी, हमारे पूज्यपाद, हमारे जो परम गुरुदेव थे श्रीपाद नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो कहते थे कि यदि किसी ने अपना 100% श्री राम लीला में अपना महाराज सहयोग दिया है वो श्री केकई जी हैं। केकई जी को महाराज इतना अनुभव पात्र माना है हमारे श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। उन्होंने कहा है यदि माता केकई नहीं होती, यदि माता केकई ने अपमान का विष नहीं पिया होता तो आज श्री राम कथा, क्योंकि राम जी की कथा में वनगमन लीला हटा दो तो क्या बच जाएगा? केवल और केवल जन्म और केवल विवाह। पर राम जी की वन लीला को संपादित करने के लिए श्री के मानो श्री केकई जी पधारी है। एक बार क्या हुआ, श्री राम जी ने पूरा दिन महाराज पूरा दिन भोग नहीं लिया,
माता केकई ने देख लिया कि आज श्री राम जी ने कुछ खाया नहीं, कुछ पाया नहीं, चुपचाप राम जी आए हैं केकई जी के कक्ष में और रोने लग गए हैं। केकई जी ने कहा, क्या बात हुआ? केकई जी ने राम जी को गोद में बिठाया, गोद में राखी कुमार दुलार को गोदी में बिठाया है, गोदी में बिठा करके पूछा है कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो और आज तुमने पूरा दिन कुछ आरोगा भी नहीं, राम क्या बात है? तो राम जी ने कहा, माता आज मुझको आपकी अत्यधिक जरूरत आन पड़ी है, आपकी आवश्यकता आन पड़ी है, क्या आप मेरे लिए ऐसी दिव्य लीला को संपादित करेंगी? तो महाराज केकई जी ने कहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? राम तुम मुझे इतने प्रिय हो, महाराज जब कौशल्या जी के पास श्री राम जी पौड़ते हैं सोते हैं और केकई जी के पास श्री भरतलला पौड़ते हैं तो महाराज ना भरतलला को नींद आती है ना श्री राम जी को नींद आती है, आधी रात में श्री राम जी को लेकर के कौशल्या श्री केकई के महल में जाती है और केकई के पास जाकर के श्री कौशल्या जी कहती है, बहन तुमने जाने क्या जादू कर दिया है, मेरे पास यह लाल सोता ही नहीं है, ये बार बार मैया मैया केकई मैया केकई मैया कह रहा है, लो इसे संभालो और इसको सुलाओ। केकई जी अपने अंग में श्री रघुनंदन को लेती हैं और महाराज प्रेम से उनको सुला लेती हैं और श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी को लेकर के जाती हैं और वो उनको सुलाती हैं। महाराज जी ऐसा दिव्य प्रेम अपनी मैया से ज्यादा श्री केकई अम्बा के पास श्री राम जी रहते हैं। तो कहा राम जी ने कि मैया आज तू मेरे लिए कुछ कर दे। तो माता ने कहा, पता बोले ये ऐसा चरित्र होगा माता, ये ऐसी घटना होगी कि तुझे विष का अपमान सहना पड़ेगा। कि कई मैया रोने लग गई और कहा रोते रोते मैया ने कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं विष पी लूं, अपमान का विष तो क्या, तेरे लिए यदि गरल आ जावे तो उसका घूंट ले लूं मैं, पर तू बता तुझको क्या चाहिए। तो राम जी ने कहा, मैया मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहता हूँ, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन, सारे मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको सुख प्रदान करना चाहता हूँ, वो भिल्ली मेरी प्रतीक्षा में अपने अपने दिवस को निकाल रही है, आप मुझ पर कृपा करो और आप मुझको आपके ही आश्रय से मैं बन जा पाऊंगा। केकई जी स्तब्ध हो गई, स्तब्ध होते ही कहा कि राम जी ने, मैया आप नहीं कर पाओगी? तो कहा, बस इतनी सी बात, तेरे लिए मुझे अपमान का विष पीना पड़ेगा लेकिन तू प्रसन्न रहेगा कि नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं है लेकिन मेरा राम मुझसे प्रसन्न रहे, बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज धन्य ऐसी केकई धन्य है, महाराज अपमान का विष तो कोई पी सकता है। इस कारण से महाराज केकई जी से फिर राम जी ने ये पहला संपादन था कि वह वनवास के लिए गई है। दूसरी बात, एक बार श्री भरतलाल जी खेल रहे थे, खेलते खेलते महाराज जब भरतलाल जी खेल रहे थे तो खेलते खेलते मंथरा आई है उनके पास, तो कहा, लाल यहाँ पे क्या कर रहा है, खेल क्यों रहा है, क्यों मैं खेलूंगा, मेरे भैया खेल रहे हैं मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं तू अपने पिताजी के पास भी बैठा कर, क्यों बैठा करूं, क्योंकि तुझे आगे जाकर के राजा बनना है, क्यों राजा बनना है, मेरे से बड़ा भाई जीवित है तो मुझे क्यों राजा बनना है। तो महाराज कहा कि कई ने कहा मंथरा ने कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने केकई के पिता को यानी महाराज युधाजित को वचन दिया है कि तुम ही राजा बनोगे। महाराज जैसे ही यह कहा भरत जी तुरंत श्री भरत जी विवाह के बाद जब विवाह हो गया तो उसके बाद श्री भरत जी राम जी और श्री जानकी जी के सम्मुख आए हैं, दिव्य छटा देख करके युवर दंपति की साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके भरत जी ने राम जी से कहा है, भैया मेरे नाना जी ने मुझको स्मरण किया है, क्या मैं थोड़े दिन के लिए अपने नाना जी के यहाँ हुआ? तो राम जी ने स्नेह पूर्वक अंक लगाया है महाराज गले से लगाया है और कहा, कोई बात नहीं भरत तुम जाओ। भरत जी ने अपना मुकुट उतार करके श्री युगल के पादांगुजों में प्रस्तुत किया है। महाराज जैसे ही प्रस्तुत किया है श्री भगवान ने वो मुकुट उठा करके भरत के शीश पर रखा है और भरत जी महाराज जैसे ही मुड़े हैं, मुड़ने के बाद जैसे ही भरत जी जाने लगे हैं एक बार लौटते हुए श्री रघुपुंगव के दर्शन करके महाराज एक अंदर से हिचकी भरी है उन्होंने। महाराज जैसे ही वह निकली है वापस मुड़ करके भरत जी अपने महल से बाहर चले गए लेकिन श्री रघुपुंगव ने पूछा जानकी से, जानकी तुमने भरत जी को देखा? जानकी जी ने कहा, हाँ देखा भरत जी को, तुम्हें लगा नहीं कि भरत कुछ उदास था? तो जैसे ही यह देखा
श्री जानकी जी ने कहा हाँ मुझको लगा कि श्री भरत जी उदास हैं, तो उन्होंने कहा क्या कारण होंगे। जैसे ही श्री राम जी की दृष्टि उस जगह पड़ी जहां श्री भरतलाल जी ने दंडवत प्रणाम किया था, वहां पे भरतलाल जी के नेत्रों से पड़े हुए श्रुओं की चार बूंदें लगी हुई थी। महाराज जैसे ही रघुपुंगव ने देखा, दौड़कर रघुपुंगव गए हैं और अपने नखाक्य मणि से उन चारों अश्रु बिंदुओं को उठा करके, और महाराज जब देखा है और अपने नयनों की अश्रु बिंदुओं को झलकाते हुए उसी अश्रु बिंदु पे जब श्री राम की अश्रु बिंदु पड़ी है, तो राम जी ने कहा है हे भरत के अश्रु बिंदु, तुम्हें राम के अश्रु बिंदुओं की शपथ है, बताओ भरत क्यों उत्तेजित है, बताओ भरत क्यों महाराज भरत इतना ज्यादा उदास क्यों है, क्या बात हो गई, सब कुछ आए क्यों है भरत। महाराज जैसे ही उस भगवान ने प्रतिज्ञा दी है, तो उन अश्रु बिंदुओं में से साक्षात श्री भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रकट होकर के कहा भैया यह बात है, मैं नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं, मैं चाहता हूं प्रभु आप राजा बने, आप ही राजा बनने के योग्य हैं प्रभु, दास केवल और केवल इस कारण से ही बस यहां से पलायन कर रहा है कि पिताजी कब आपको राज्य दे दे। श्री रघुपुंगव और श्री जानकी जी के नयनों से महाराज नीर का प्रवाह हो गया है, और महाराज जैसे ही नीर का प्रवाह हुआ है तो कहा है श्री राम जी ने, राम जी ने कहा भरत तू चिंता मत कर, तू तो गया है लेकिन 14 वर्ष तक जब तक बच्चा ना कह दे भयहु न भुवन भरत सम भाई, जब तक बच्चा यह ना कह दे कि भरत जैसा भाई दूसरा नहीं हुआ, तेरी कीर्ति को दिग्दिगंतर तक व्याप्त करने का मैं संकल्प लेता हूं, तब तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। इस कारण से श्री भगवान बन हो गए। ये भरत जी का अनुपम चरित्र है महाराज, भरत जी के चरित्र महाराज अगर भरत जी में से निकल, अच्छा भरत जी का चरित्र क्या फल दे सकता है, लिखा हुआ है भरत चरित कर नीम तुलसी जे सादर सुनही सीय राम पद प्रेम अवश्य होए भवतर विरति। जो श्री राम जो श्री भरत जी के चरित्र को सुनता है, श्री सीताराम जी के युगल पादांबुजों में उसका प्रेम हो जाता है। महाराज जी जब दास भरत चरित्र कहने के लिए अयोध्या गया, तो जब गया तो वहां पे बहुत संतों का दास को दर्शन हुआ, देखा कुछ संत तो ऐसे केवल नित्य प्रति भरत जी के चरित्र का ही पाठ कर रहे हैं। महाराज जी अनुपम ऐसा आदित्य भरत चरित्र है। अच्छा एक बार क्या हुआ महाराज, भरत श्री हनुमान जी की जब श्री हनुमान जी महाराज लड़ाई कर रहे थे, जब युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी ने ऐसी महाराज ऐसा युद्ध किया कि राम जी देख करके मोहित हो गए। बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे नित साहिब सुजान की, अरे लामी लूंब लपट झपट पटकत देखो देखो लखन ललन हनुमान की, लामी लूंब लपट झपट पटकत देखो देखो लखन ललन हनुमान की। अपनी पूंछ से कई असुरों को महाराज ऊपर फेंक दिया, केवल महाराज हनुमान जी की पूंछ युद्ध कर रही है, हनुमान जी तो श्री सीताराम केवल कीर्तन ही कर रहे हैं। देख करके राम जी बहुत मुग्ध हो गए। जब मुग्ध हुए तो राम जी ने सराया वाह हनुमान वाह, तो महाराज हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु आपकी कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन एक बात बताइए मेरे जैसा योद्धा तो आपको दूसरा नहीं दिखने को मिलेगा। जब ऐसे कहा तो महाराज वही बात मदश्च मदचंचल एव च, जब यह दिखाया तो केवल योद्धा का दर्शन कराने के लिए महाराज जब हनुमान जी गए हैं संजीवनी लाने के लिए, तो जब हनुमान जी गए संजीवनी लाने के लिए उड़ते उड़ते तो भरत जी ने बिना भर का बाण मारा है महाराज। अच्छा यहाँ पर प्रश्न है, क्या एक संत दूसरे संत को नहीं पहचान सकता, क्या एक संत दूसरे संत की महाराज भजन निष्ठा को नहीं देख सकता, देख सकता है पहचान सकता है, लेकिन केवल और केवल मात्र यह दिखाने के लिए हनुमान जी को कि भरत जी भी युद्ध कौशल में कम नहीं है, इस कारण से महाराज बिना भर का बाण मारा, और बिना भर के बाण ने हनुमान जी को तो नीचे गिराया ही मूर्छित करके, जो महाराज जो पर्वत संजीवनी पर्वत लेकर के जा रहे थे उसको उसी बाण से रोक करके रखा है, क्योंकि यदि वो बाण नीचे वो पर्वत नीचे गिर जाता तो महाराज अयोध्या का विनाश हो जाता। इस कारण से दर्शन कराया है कि देख तूने कहा था ना कोई दूसरा योद्धा नहीं हो सकता, देख ये भरत जी ही है जिन्होंने तुझको भी नीचे सुला दिया।
महाराज जब मूर्छा में पड़े हनुमान जी, तो भरत जी ने उनके मुख से राम 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 निकला, तो भरत जी ने गोदी में उठाकर कहा कि यदि मैं श्री राम जी का अनन्य सेवक हूं, यदि श्री राम के पादम भुजों के अलावा मुझे और किसी से प्रीति नहीं है तो आप उठकर खड़े हो जाए। तो फिर क्या हुआ, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, उठ बैठ कपीसा, कही जय जयती कौसला धीसा, कही जय जयती कौसला धीसा। महाराज हनुमान जी उठ गए, जब पता चल गया कि देखो भरत जी की क्या शक्ति। महाराज भरत जी क्या बात थे, जब राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी ने क्या क्या ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत जी में इतना सुंदर श्लोक है महाराज, क्या करते थे भरत जी, क्या पाते थे, गोमूत्र यावकम शुत्वा भ्रातरम बलकलाम बलम। गोमूत्र में जब महाराज गाय को जोड़ चना खिला दिया जाता, जो उनके गोबर में जोड़ चना निकलता उसको गोबर से छान ले, उसको गोबर को और जोड़ चने को अलग अलग करके छान लेते, और जो जोड़ चना निकलता उसको गोमूत्र में उबाल करके नित्य एक ही मुट्ठी श्री भरत जी लेते। इस तरीके से उन्होंने ये खा करके भजन किया है भरत जी ने, गोमूत्र यावकम शुत्वा भ्रातरम बलकलाम बलम। इस कारण से तो महाराज राम जी बलिहार है। राम जी कह रहे हैं ना भैया, राम जी कह रहे हैं विभीषण से, विभीषण मैं क्या बताऊं भरत जी की महिमा। अरे मेरे, राम जी खुद कह रहे हैं कि मैं दूसरों की बिगड़ी बनाता हूं पर मेरी, अरे मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, अरे मेरो पल पल युग समझावे ऐसे भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे ऐसे भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे मेरे भरत के बिना। हाँ चित्रकूट में शपथ लियो दे प्राण मृत्यु को पावे। विभीषण जी जल्दी करो जल्दी करो, रावण भी मर चुका है, उसका संस्कार भी आपने कर दिया है, जानकी मेरे वामांग में प्रतिष्ठित हो गई है, अब जल्दी करो, देर मत करो, मुझे पहुंचाओ जल्दी से अयोध्या, क्यों यदि मैंने एक क्षण के लिए भी देरी कर दी तो भरत चिता पर पहुंच जाएगा महाराज, जल्दी करो जल्दी करो, वह 14 वर्षों से टकटकी लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे महाराज भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता हुआ निहाल हो जाता है, वैसे ही भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हुए निहाल हो जाते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं, चित्रकूट में शपथ लियो दे प्राण मृत्यु को पावे, अवध गए दिन प्रथम नाथ यदि नहीं अवध में आवे, जीवित चिता में समावे भैया भरत के बिना, अरे मेरी बिगड़ी कौन बनावे ऐसे भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे ऐसे भरत के बिना। श्री भरत की जैसे हमारा भी, हमारी भी भजन में बुद्धि लगे, भजन में मन लगे, और हम भी श्री भरत जैसे श्री भगवान में शरणागति ले में। इन्हीं सभी शब्दों के साथ महाराज ये छोटा सा श्री भरत चरित्र, क्योंकि समय का अभाव लिख करके तो और भी लाया था, पर ये छोटे से भरत चरित्र में महाराज बस कितना ही। जय जय श्री सीता। श्री राम जी कहाँ गए? हरि बोल हरि कृष्ण। श्री राम भैया, श्री राम जी। बोले रघुपति राघव, हाँ देखो हरि कल जो परसु है, परसु से ये पूर्णिमा परसु है, और परसु से हमारी जो कार्तिक जो महीना है, कार्तिक महीना परसु से शुरू हो जाएगी, इसलिए उसको कहते हैं नियम मास। नियम मतलब बताएं, हर महीना हम जितने भक्ति करते हैं उसी महीना से, और विशेष करके थोड़ी स्तुति स्तव कथा हैं थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले सुना था वो महीना की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी,
राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसी महीना में थोड़ी सी कोई भक्ति करे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती उसको ऊपर में, इसलिए उसको नियम सेवा कहते हैं। और जो परसों है हमारे जो भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का जो गुरुदेव परम गुरुदेव का उसी दिन उनकी तिरुभाव महामहोत्सव है, उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, इसलिए उसी दिन का विशेष विशेष महत्व उसी दिन का, इसलिए हम लोग शाम को हैं उनकी पूजा करेंगे। आप लोग तो दिन में नहीं आ पाओगे, शाम को उसी दिन परसों हम उनकी पूजा करेंगे और सभी के लिए प्रसाद भी, सबके लिए प्रसाद तैयार होगा। और जितने सारे भक्तों को आस पड़ोस में सबको बोल देना परसों पूर्णिमा है और उसी दिन से ठाकुर को जो दीप जलाने का विशेष महत्व है, अगर हो सके कोशिश करना एक महीना मंगलारती में आने के लिए। और दामोदर अष्टक को नित्य नियमित रूप का हम लोग पाठ करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी कथा सुनेंगे, ठीक है। और शाम को फिर पूरा ब्रजमंडल जो 84 ब्रजमंडल परिक्रमा की जो कथा थोड़ी 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 रोज रोज हम उनकी कथा भी सुनेंगे, ठीक है। ये परसों से ये विशेष महीना सब भक्तों को निमंत्रण देना, जरूर मंदिर में आए, ठीक है। बोले रघुपति राघव राजा राम पति सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, रघुपति राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति बोला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, I'm gonna go get some more.
नवीन प्रभु की जय। श्री श्री गुरु रामचंद्र का गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मन जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। जय नित्य लीला प्रभु भक्ति स्वरूप।